दोस्तों सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज गोरखपुर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। ये जो बेसिकली अपडेट है, ये प्रवेश परीक्षा के लिए जो आप लोग एडमिशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट से रिलेटेड है। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात हो रही है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीएससी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, बीएससी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी एवं बीकॉम में प्रवेश हेतु कॉलेज के वेबसाइट www.centreducecollege.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है, जिसे अभ्यर्थी विस्तारित तिथि 20/6/2024 तक भर सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है उसको बढ़ा करके 20/6/2024 कर दिया गया है, तथा परा स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में एमए हिंदी। अब यहीं पर आप ये देख लीजिए कि एमए में कौन कौन से कोर्स हैं, तो यहाँ पर देखिए हिंदी, राजनीति शास्त्र तथा स्वविस्पोषित यानी कि सेल्फ फाइनेंस जो कोर्स हैं यहाँ पर एमए इंग्लिश और समाजशास्त्र एवं भूगोल। इसी तरह से एमएससी गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं जंतु विज्ञान एवं एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कॉलेज के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है, जिसे अभ्यर्थी अंतिम तिथि 30/6/2024 तक भर सकते हैं। यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20/6/2024, और पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें और एलएलबी का जो कोर्स है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2024 तक। तो जितने लोगों को भी डाउट था कि सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए, जो लास्ट डेट है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ये रही बात कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। अब सवाल ये है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो लास्ट डेट है आप देख पा रहे होंगे 20 जून 2024 है, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 20 जून के बाद ही आपका कराया जा सकता है। तो कितना दिन बाद हो सकता है, तो देखिए 1 या 2 वीक के बाद आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट कराया जा सकता है। तो यानी कि जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कराया जा सकता है। अब एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, तो जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला होगा उसे लगभग 1 वीक पहले यानी कि 7 से 8 दिन पहले ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। अब काफ़ी लोगों का मैंने देखा है डाउट रहता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड है वो आखिर जारी कहाँ होगा, क्या उनके घर पर भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर वेबसाइट पर ही उन्हें डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो देखिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड है सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। सो मेक श्योर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वहीं पीजी और एलएलबी कोर्स की बात करें तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में कराया जा सकता है, और इन कोर्सेज के लिए भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो 7 से 8 दिन पहले ही आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज से रिलेटेड सभी न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।